CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है बुनियादी कानूनी साक्षरता श्रृंखला पर आधारित कार्यक्रम FIR। चलो छोड़ छोड़ छोड़ो, मैंने क्या किया? चलते हो कि चुपचाप से? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। माँ माँ, अरे क्या हुआ श्रवण, क्या हो रहा है? कहाँ ले जा रहे मेरे बेटे को? छोड़ छोड़ छोड़, माँ क्या किया है मुझे बताओ, मुझे बताओ मेरे बेटे ने क्या किया है। कल रात झुनवा की दुकान में आग लगी थी। क्या? तुम्हारे बेटे पर आरोप है कि आग उसी ने लगाई है और FIR में भी नाम दर्ज है उसका। FIR? ये क्या होता है? थाने पहुंचिए, वहां बात कीजिए। चलो जी। मीना ताई, कहाँ हो मीना ताई? बाहर आओ मीना ताई। अरे गैनो क्या हुआ? मीना ताई क्या बताऊं, श्रवण को पुलिस ने पकड़ लिया है। मीना ताई, श्रवण को पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ मीना ताई, कहती है झुनवा की दुकान में आग उसी ने ही लगाई है और उसका FIR में नाम दर्ज है। श्रोताओ, अभी आपने सुना कि FIR में श्रवण का नाम दर्ज है, लेकिन FIR क्या होती है या क्यों और किस प्रकार से लिखी जाती है, ये प्रश्न आपके मन में बार बार आता होगा, है ना? तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में कुछ बुनियादी जानकारी देते हैं। FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हिंदी में इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। इसमें सबसे पहले पुलिस को किसी अपराध, दुर्घटना या अन्य घटित मामले में सूचना अथवा शिकायत प्राप्त होती है। और हाँ, एक बात और, पुलिस को यह सूचना अथवा शिकायत बोलकर, लिखकर या अन्य किसी भी माध्यम से दी जा सकती है। शिकायत अथवा सूचना के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल करती है और इसके बाद वह FIR दर्ज करती है। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि पुलिस स्वयं भी किसी घटना या दुर्घटना पर स्वतः संज्ञान लेकर FIR दर्ज कर सकती है और जांच पड़ताल शुरू कर सकती है। FIR के फॉर्म में वारदात की तारीख, समय और स्थान को दर्ज किया जाता है। इसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों का नाम और पता मालूम हो तो उसे भी दर्ज किया जाता है। यदि कोई सबूत अथवा गवाह हो तो इसका जिक्र भी FIR में दर्ज होता है। शिकायत दर्ज करवाने वाले का नाम और पता भी लिखा होता है। इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं, FIR दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर और साथ ही जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के भी हस्ताक्षर होते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से FIR की एक नकल या कॉपी पाने का अधिकार होता है। साथ ही जिसके खिलाफ FIR दर्ज होती है उसे भी एक नकल या कॉपी दी जाती है। साथियों, अब आपके लिए कुछ अति आवश्यक सूचनाएं। जरूरत पड़ने पर आप पुलिस की मदद 112 टेलीफोन नंबर पर ले सकते हैं। महिला सुरक्षा के लिए 1090 टेलीफोन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। तो साथियों, अब आप अपने मित्रों और परिचितों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR और इसकी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करें। अभी आपने सुना बुनियादी कानूनी साक्षरता श्रृंखला पर आधारित कार्यक्रम FIR। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800044 0559। और हाँ,
आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।